अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा स्नैक ऐप पर आप लोगों के पास क्रिएटर सेंटर का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे और मैंने ये चीज़ खुद भी नोटिस किया कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्रिएटर सेंटर है क्या चीज़ और क्रिएटर वार्ड और क्रिएटर सेंटर में क्या फ़र्क है, क्या यहाँ से भी पैसे मिलेंगे और किस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। बेसिकली ये एक स्नैक ऐप की न्यू अपडेट है। जैसे टिकटॉक पर आप लोगों को एनालिटिक्स देखने को मिलता है, जैसे आप लोग अपने व्यूज़ को देख सकते हैं, कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, कितने व्यूज़ कितने दिनों में आए हैं, एक हफ्ते के अंदर कितने व्यूज़ आए हैं, उसी तरह से सेम टू सेम स्नैक ऐप ने भी क्रिएटर वार्ड का ऑप्शन दिया है, क्रिएटर सेंटर का ऑप्शन दिया। अब इसके अंदर आप लोग कैसे देख सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग स्नैक ऐप को अपडेट कर लें, अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सुशांत मिर्ज़ा लिखा है, उसके बाद ये क्रिएटर सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। इस पर सिंपली मैं टैप कर लेता हूँ। अब इस पर टैप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये है कि जो पंपलेट्स आ रहे हैं, जो जितने भी स्नैक ऐप पर इवेंट्स चल रहे हैं वो इवेंट्स आ रहे हैं, तकरीबन जितने भी हैश टैग्स हैं उनका इस्तेमाल करना होता है, वो एक अलग से एक आप लोगों को रिवार्ड है देखने को मिलता है। तो अब ये चीज़ है कि जो आप लोग देख लें कि वर्क्स एनालिटिक्स, तो इसके अंदर आप लोगों ने कितनी पोस्टें यहाँ पर की हैं। मैंने यहाँ पर 333 पोस्टें की हुई हैं। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, 257 के मेरे पास फॉलोअर्स हैं, 67 के फॉलोअर्स हैं, और मेरी वीडियोस पर जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं वो आए हैं। एक तो एनालिटिक्स आप लोगों को ये बता रहे हैं, जैसे टिकटॉक एनालिटिक्स बता था, इसी तरह से सेम टू सेम स्नैक का जो क्रिएटर सेंटर है उसके अंदर वो आपका एनालिटिक्स आपको शो करवाता है। अगर आप लोग व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक तरतीब के साथ बता दें कि आप लोगों ने इतनी वीडियोज़ अपलोड की हैं इतने दिनों के अंदर, यहाँ पर देख लें ये डेज़ आ गए हैं, कितने शेयर्स आपकी वीडियोस पर आए हैं, 617 प्लस शेयर्स मेरी वीडियोस पर आए हैं। अब ये डाटा आप लोग 7 दिन का भी देख सकते हैं, आप लोग महीने का डाटा भी देख सकते हैं। डेट वाइज यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने लाइक्स हैं, यहाँ पर देख लें 3411 कमेंट्स हैं और 53 प्लस कमेंट्स हैं। उसके बाद फॉलोअर्स का डाटा आप लोग देखना चाहें कि आपके वीडियोस पर कितने फॉलो, आपके अकाउंट पर कितने फॉलोअर्स हैं, कैसे कैसे वो फॉलोअर्स कम हो रहे हैं ज़्यादा, यहाँ पर देख लें कि मुझे 745 लोगों ने अनफॉलो भी किया है और माइनस हुए हैं। तो उसके अलावा मेरे जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पर 265 के फॉलोअर्स भी हैं। तो 7 डेज़ और 30 डेज़ का डाटा यहाँ पर मौजूद है। वर्क एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जितने भी वीडियोस हैं, कितनी बार कितने लोगों ने देखे, यहाँ पर देख लें कि मेरी वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये 7 डेज़ का डाटा है, आप लोग 30 डेज़ का देखना चाहें तो यहाँ पर 30 डेज़ का डाटा भी देख सकते हैं। तो ये तो चीज़ है कि आप लोग क्रिएटर सेंटर के अंदर किस तरह से अपना डाटा को एनालाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पर आप लोगों को मिल रही हैं, कैसे काम कर रहा है। अब ये कि क्रिएटर फंड, जैसे क्रिएटर वार्ड होता था, क्रिएटर फंड भी सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन अब दो फेज़ तो हो चुके हैं इसके क्रिएटर रिवार्ड के। दोनों फेज़ के अंदर पैसे देखने को मिले थे, वीडियोज़ अपलोड करते थे, पैसे देखने को मिलते थे। क्रिएटर फंड का अभी तीसरा फेज़ आने वाला है, अभी तक नहीं आया। तो अगर आप लोग गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लें, चुनाई स्नैक क्रिएटर रिवार्ड्स एंड चैनल योर क्रिएटिविटी। तो अभी ये ब्लैंक है, कह लें कि अभी तीसरा फेज़ नहीं आया, तो जैसे तीसरा फेज़ आएगा वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो आप तब वीडियोस अपलोड करेंगे, वीडियोस वायरल होंगी, आपको वहां पर पैसे मिलेंगे। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक स्नैक क्रिएटर सेंटर के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे क्रिएटर सेंटर को देखना है, कैसे एनालाइज आप लोगों ने करना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।